गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब अच्छे से हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। नाउ स्टार्ट योर क्लास कक्षा हिंदी मीडियम माध्यम आपका सब्जेक्ट जिसे आप लगा रहे थे और 5.4 अभ्यास लिया है बने आज लास्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.5 स्टार्ट करेंगे। बच्चों हमें क्या करना है, वेरी सिंपल है, बहुत वेरी सिंपल लिया है मैंने क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको लास्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको कितना लिया है आज प्रश्न करवाना। 12 में हमें क्या करना है, 103 दिया है आपका, घात 3 मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है, हम क्या करें यहाँ से 103 की घात 3 बराबर क्या करें, 100 प्लस 3, क्योंकि 100 से 100 की बात की संख्या है 103, इसलिए 100 प्लस 3 कर लिए। सपोज करो यहाँ 99 होती तो हम क्या करते हैं, 100 माइनस 1, क्यों 100 के करीब है तो हम 99 माइनस कितना कर देते हैं, हम 100 माइनस 1, इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। ओके, अब ये 100 से ऊपर थी, 100 के बाद की संख्या है 103, इसलिए 100 प्लस 3 लगी। अब यहाँ सर्वसमय का अगर प्रयोग करेंगे तो सर्वसमय का हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 का घात 3, मतलब कि a धन b की घात 3 है बराबर 1 की घात 3 प्लस 3 ab गुणा ए प्लस बी ए धन बी और प्लस बी की घात 3। अब यहाँ ए का मान कितना हो गया, 100, और बी का मान 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या हो जाएगा 100, मैं कितने लिख दी, 100 की घात 3, 100 की घात 3, ये 100 की घात 3 कर दी। इसके बाद प्लस 3 गुणे 100, ए की जगह 100, बी की जगह कितना 3। ओके, और यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मीन्स 100 प्लस 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, बी की घात मतलब कि आपका कितना होगा, यहाँ बी की घात 3 का घात। अब हम इसको गुणा कर देंगे, देखिए सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, सरल तरीका। सरल तरीका क्या है आपका, 100 कितनी है, 3 बार गुणा करना है 100 का, कितनी बार, 3 बार, कितनी 0 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी ना, 100 का 3 बार गुणा करें, 100 को 3 बार लिखेंगे, कितनी 0 हो गई उसके अंदर, 6। तो हम क्या करेंगे, सरल तरीका है, 0 मिल लेंगे और उसे रूट कर लेंगे। जैसे यहाँ सब कुछ करो, 1000 होता, 1000 का 3 बार गुणा करना होता तो कितनी 0 हो गई, 9, तो हम 1 के साथ 9 को नोट कर देते, लिख देते, आप मान चला जाता। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यहाँ 10 होता तो 3 0 कर देते, 10 को 3 बार करते कितनी हुई, 3 0। तो इसी प्रकार से ये ट्रिक है उससे ऊपर, तो मैंने ये 100 कर दिया, कितनी हुई, 0 1 2 3 4 5 6 6 0 हो गई आपकी। अब यहाँ देखिए प्लस ये कितनी, 2 0 है, 2 0 तो हम कर रहे हैं, 3 1 3 3 3 9, तो 900 हो गया, ये 900। अब यहाँ कितना हुआ, 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 सबको पता है कितने होगा, 103, ये 103 गुणा कर दिया मैंने, 103। ओके, या 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9 9 3 27, ये 27 आ गए। अब यहाँ ये कंप्लीट गुणा हो गए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बताया था, ये गुणा करना है, 900 बड़े थे सुखी, बड़ी संख्या हो गई, क्या करें, सरल तरीका है, पहले ये देखो 900 के साथ 3 भी 0 है, तो 2 0 तो लग रही है ना, लगा दिए, इसके बाद गुणा कर लेंगे, ये 2 0 तो मैंने नोट कर ली थी, ये कर लेंगे। अब 9 का कर लेंगे, 9 3 27 की 7 8 2, 9 का 0 से किया 0, 2 जोड़ा तो 2 1 2 यहाँ 9 1 9, बस सिंपल, वेरी सिंपल, 92 700 92 700। अब यहाँ कितना था, 27, अब बच्चों ने जोड़ देंगे, तो जोड़ने का बहुत सारा तरीका, यहाँ जोड़ देते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3, इसके बाद में 1 2 3 4 5 यहाँ 0 0, फिर इसके बाद कितना है, 7 2 और फिर 9, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद में कितने हैं, 27, ये जोड़े देते हैं, 7 की 7 2 की 2
सात फिर दो और यहां से नौ और ये जीरो और एक कितना आ गया बच्चों एक जीरो नौ दो सात दो सात इसका मतलब कितना हुआ एक दो तीन चार पांच दस लाख बानवे हजार सात सौ सत्ताईस ये आंसर आपका कितना आ गया दस लाख बानवे हजार सात सौ ये आपका अभिष्ट मान प्राप्त हुआ है किसका मान हुआ है बच्चों सौ प्लस तीन घात तीन सौ प्लस तीन घात तीन इसका मान हमें प्राप्त हुआ है कितना है बच्चों दस लाख बानवे हजार सात सौ ये हमारा आंसर आ गया कितना है बच्चों ये टोटल जोड़ दिया हमने तो यह कितना आया दस लाख बानवे हजार दस लाख यहाँ कितना है दस लाख बानवे हजार सात सौ सत्ताईस दस लाख बानवे हजार सात सौ सत्ताईस ये हमारा आंसर आ गया दस लाख बानवे हजार सात सौ सत्ताईस तो बच्चों ये हमारा अभिष्ट मान प्राप्त हुआ है सर्व समीकरण आपकी बच्चों दी गई है आपके 79 पेज नंबर पे सर्व समीकरण दी गई है आप उनको पढ़ लें अच्छे से क्यों सर्व समीकरण ये यूज कर ली बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो भी सही है ए क्यू प्लस बी क्यू थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर वो भी बच्चे कर लेते हैं तो वो भी आपकी गलत नहीं है ओके ये आपने कर लिया तो आप ध्यान रखें सर्व समीकरण आपकी 79 पेज नंबर में है बच्चों तो आप पढ़ लें उन्हें अच्छे से नोट कर लें तो उससे क्या है अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके तो मैं पीडीएफ के माध्यम से ये प्रश्न आपको सॉल्व करके भेजूंगा आप नोट करें वर्क कंप्लीट करते रहें बेटा ओके तो ये ध्यान रखें आप इसकी प्रैक्टिस करें कल फिर मिलेंगे आपसे और 5.5 अभ्यास प्रश्नावली के साथ तब तक के लिए बेटा गुड बाय